Hello everyone, students, I hope you all are fine and safe in your home. Students, today we are going to start with chapter 5, that is Advanced Feature in MS Access. So today we are going to discuss the first part of Advanced Feature in MS Access. So let's start with the session. Coming to the first slide. Now the first topic is Master Table Concept. While creating a database, if you choose data class correctly, your table is automatically assigned to the correct area of the database. So while आप जब क्या करते हो, डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो अगर आपने सही तरीके से डेटा क्लास को चूज़ किया है या करेक्टली चूज़ किया है, तो आपकी जो टेबल होती है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट एरिया पे जाकर असाइन हो जाती है, मीन्स करेक्ट डेटाबेस में जाकर असाइन हो जाती है. देयर आर फॉलोइंग डेटा क्लासेस. आपकी जो डेटा क्लास है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज मास्टर डेटा एंड सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन डेटा, जिसे हम एक एक कर समझेंगे. तो पहले बात करते हैं मास्टर टेबल की. अब मास्टर टेबल इज अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द डेटाबेस. इट रिकॉर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल अदर डेटाबेस एंड देयर लोकेशन. सो मास्टर टेबल एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट होता है, मीन्स जिसका डेटा होना ज़रूरी होता है, जहाँ से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इसके बाद आप जितने भी डेटाबेस बनाते हैं, उसका एग्जिस्टेंस मास्टर टेबल से ही होके जाता है. मीन्स ये एक ऐसा है, कह सकते हो एक बेसिक पिलर है ना, और ये एक ऐसा है जहाँ से, जिस लोकेशन से आप हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, बेसिक थिंग उससे रिलेटेड फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसका एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, ठीक है ना. नाउ इन मास्टर टेबल डेटा इज रेयरली चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसिडर द केस ऑफ स्टूडेंट टेबल, इट कंटेन द फील्ड लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस एट्सेट्रा. अब क्या होता है, ये मास्टर क्यों इसका नाम मास्टर पड़ा? एक्चुअली जो डेटा यहाँ पे होता है उसको बहुत रेयरली चेंज किया जाता है. आप रेंडमली जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हो, है ना. कभी कभार बहुत रेयरली, बहुत ही क्रिटिकल केस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि चेंज करना पड़े, नहीं तो चेंज नहीं होता है, है ना. जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गया, आपके बहुत सारे डेटा, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कांस्टेंट है, जो आप फर्स्ट क्लास से अभी तक चली आ रही हैं, जिसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना. चेंज क्या होता है, हर साल आपका रोल नंबर चेंज होते हैं, हर साल आपके मार्क्स चेंज होते हैं, ये चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है ना. तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल की आप बात करते हो, चेंज करने की नहीं होती. जैसे कि इन्होंने रोल नंबर को लिया है, नेम को लिया है, क्लास को लिया है, एड्रेस को लिया है, मतलब ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ये मीन्स कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द टाइम, है ना. इट इज़ परमानेंट डेटा व्हाइल सेल्डमली चेंज्ड, मीन्स ये एक तरीके का आप कह सकते हो परमानेंट डेटा है. बहुत रेयर चांस होते हैं इनके चेंज होने के, मीन्स चेंज करने की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है. वेयर इज फीस टेबल कंसिस्ट ऑफ द फील्ड लाइक फी, पेड, बैलेंस, ड्यू डेट एट्सेट्रा विच चेंजेस फ्रिक्वेंटली. वहीं आप अगर फीस टेबल की बात करते हो, तो आपका जो फीस का डेटा है वो चेंज होता रहता है. जैसे कि आपने फीस इस महीने जमा की है, अगले महीने जमा की है, तो हर महीने आपकी फ़ीस कुछ ना कुछ, या कितना बचा है, कितना बैलेंस है, ड्यू डेट क्या है, कब जमा करते हैं, ये सारा हर महीने चलता रहता है आपका. तो ये जो डेटा है आपका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है ना. इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन टेबल. इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ट्रांजेक्शन टेबल, बिकॉज इसका डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है ना. तो बोथ मास्टर एंड ट्रांजेक्शन टेबल आर लिंक्ड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. अब इन दोनों टेबल को कंबाइन करने के लिए कुछ की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है प्राइमरी की. लिंक कैसे होती है दोनों टेबल, प्राइमरी की के थ्रू. ओके, नाउ हियर इट इज स्टूडेंट टेबल. यहाँ पे आपको फीस टेबल दी हुई है. दिस स्टूडेंट टेबल इज कॉल्ड एज मास्टर टेबल और दिस फीस टेबल इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन टेबल. नाउ इन मास्टर टेबल द डेटा रिकॉर्ड आर नॉट एडेड वेरी फ्रिक्वेंटली, दे आर नॉट मॉडिफाइड वेरी ऑफन एंड इज ओपन ओनली फॉर रीडिंग द रिकॉर्ड्स. तो जो एक तरीके का आप बोल सकते हो, पूरा सार बता देता हूँ मैं आपको, है ना, कंक्लूजन क्या निकला है इतने सबका, कि जो मास्टर टेबल होती है उस पर जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं उनके चेंज होने के, है ना. और ये एक तरीके से रीडिंग पर्पस के लिए ही लेटर ऑन यूज़ की जाती है, एक बार एंटर हो जाता है तो, ठीक है ना. सर्चिंग इन अ डेटाबेस, ना हाउ विल यू सर्च अ थिंग्स इन अ डेटाबेस. देयर आर टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर डेटा इन योर डेटा शीट.
तो कभी कभी टाइम होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए रहता है आपकी डेटा शीट में. इट बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन. और जब आप श्योर ही नहीं हो, एक तो डिफिकल्ट होता है डेटा फाइंड आउट करना, ठीक है ना. अब आपको चाहिए भी है वो डेटा. अब कभी कभी होता है कि आप उसकी लोकेशन भूल जाते हैं बिकॉज यू हैव सो मैनी वर्क्स, मतलब आपको बहुत सारे काम करने, तो यू कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट लोकेशन एवरी टाइम, ठीक है ना. तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप सर्च बॉक्स का यूज करते हो, है ना, जो कि आपके पास एक्सेस विंडो में होता है, जिससे कि आप इजिली क्या कर पाते हो, सर्च कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है ना. सो हाउ कैन यू सर्च थिंग्स, कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट पॉइंट, एंटर अ पार्ट और होल वर्ड फ्रेज डेटा और नंबर इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर. अब एक सो सबसे पहले सर्च बॉक्स होता कहाँ, सर्च बॉक्स होता है आपकी बॉटम, यहाँ पे विंडो पे बॉटम पे, ये जो है आपका वो है सर्च बॉक्स, ठीक है. अब यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना हो उसके लिए आपको कोई वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, हो सकता है फ्रेज का यूज़ करना पड़े, डेट का यूज़ करना पड़े, नंबर का यूज़ करना पड़े, तो उस तरीके से आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो डेटा को सर्च बॉक्स पर. और उसके बाद आपको सिंपली सिर्फ एंटर प्रेस कर देना, जैसे कि हम एंटर करते हैं 67, आपने वैल्यू एंटर कर ली 67 इन द सर्च बॉक्स, और आपको क्या कर देना है, एंटर को प्रेस कर देना. एक्सेस हाईलाइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द फर्स्ट रिकॉर्ड डेट मैचेस योर सर्च. अब जैसे ही आप एंटर करते हो तो एक्सेस क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हाईलाइट कर लेता है. इधर पे देख सकते हैं आप, जैसे 67 पे आपने जैसे ही एंटर किया तो 67 हाईलाइट दिख रहा है आपको, और वो रिकॉर्ड आपको मैच, जैसे मैच कर रहा है, मैच कर रहा होगा तो आपके काम का है, है ना. तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो. टू फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड प्रेस एंटर अगेन. अब मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हो, हो सकता है दो तीन डेटा उसी सर्च से रिलेटेड हो, आप मान लो सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको एक बार फिर से एंटर प्रेस करना है. एक्सेस फाइंड ऑल रिकॉर्ड डेट मैचेस योर सर्च डेटा एनीवेयर इन योर डेटा शीट. तो एक्सेस क्या करेगा, उस सारे डेटा पे सर्च कर डालेगा. जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, एक्सेस सारी डेटा शीट में उसको फाइंड आउट करने लगता है, फाइंड करके आपको रिजल्ट दे देता है. तो इन दिस वे यू कैन सर्च द थिंग्स इजिली. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन इन अ डेटा शीट. यू कैन डू कैलकुलेशन इन अ डेटा शीट फॉलो द गिवन स्टेप. अब आपको अगर कैलकुलेशंस करना तो क्या करेंगे, टू सेलेक्ट द टेबल डबल क्लिक ऑन इट इन द नेविगेशन पेन. द सेलेक्टेड टेबल अपीयर इन द डेटा शीट व्यू ऑटोमेटिकली. सो फर्स्ट आप क्या करोगे, टेबल को सेलेक्ट करने के लिए नेविगेशन पेन में जाकर डबल क्लिक करोगे. देन आप क्या करोगे, तो जो आपने सेलेक्ट किया वो टेबल ओपन हो जाएगी. और वो टेबल किस व्यू में ओपन हो जाएगी, डेटा शीट व्यू में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो. देन आपको होम टैब को सेलेक्ट करना है और वहां से आपको चूज करना है टोटल ऑप्शन. ये दिख रहा होगा आपको टोटल ऑप्शन, मेरी स्क्रीन में छोटा दिख रहा, आप थोड़ा सा बुक में देखिएगा तो आपको टोटल ऑप्शन दिख रहा होगा, येलो कलर से हाईलाइटेड है ना. तो आपको टोटल ऑप्शन दिख रहा होगा कहाँ पर, रिकॉर्ड ग्रुप. आप चेक कर लीजिएगा, ये रिकॉर्ड ग्रुप, ये है रिकॉर्ड ग्रुप, यहाँ पर आपको एक टोटल ऑप्शन मिल जाएगा. दिस डिस्प्ले अ न्यू रो नेम्ड टोटल एट द बॉटम ऑफ योर डेटा शीट एज शोन इन द फिगर. जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके बॉटम में एक ओपन हो गया जाता है, यहाँ पर लिखा रहता है रो में टेबल, ठीक है ना. एक बॉटम में रो आ जाता है, वहां पे लिखा होता है टोटल. नाउ सेलेक्ट द फील्ड ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. अब आपको उस फील्ड को चूज करना है जिस फील्ड में आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है. आपको उस फील्ड को चूज करना है जहां पे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. हियर वी आर सेलेक्टिंग द मार्क्स फील्ड. तो आप मार्क्स फील्ड को सेलेक्ट कर लो, ये है आपकी मार्क्स फील्ड, ठीक है. नाउ सेलेक्ट द फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट. हियर वी हैव सेलेक्टेड द सम फंक्शन. तो वहाँ पर एक ऐसा एरो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे. आपको यहाँ से कोई एक फंक्शन चूज कर लेना है, कोई भी फंक्शन आप. तो जैसे मैंने सम चूज कर लिया, सम का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों का सम कर देना, जोड़ देना. तो वो सम करके आपको टोटल बता देगा, ठीक है ना. तो इन दिस वे यू कैन डू. ओके, सो इस तरीके से 426 सम आ गया है, देखिए, है ना. तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो. आउटपुट क्या मिल गया आपको, 426. सारा जो मार्क्स है वो काउंट होके 426 आते हैं. यू विल फाइंड द टोटल ऑफ द सेलेक्टेड वैल्यूज इन द कॉलम. तो आपको टोटल मिल जाता है ऑप्शन चूज करते ही सम का. ओके, नाउ फिल्टरिंग इन अ डेटा शीट. नाउ हाउ विल यू फिल्टर अ डेटा इन अ डेटा शीट.
Now you can filter the data in a data sheet. The steps to filter the data are as follows. अब कैसे करेंगे ये देखते हैं. Click on the drop down arrow present at the right of the column header whose data you want to filter. तो आपको क्या करना है, ये एक सा एक ड्रॉप डाउन एरो दिया रहता है हेडर में ही, जिस फील्ड के हेडर में आपको ये चूज करना है उसके आपको एक एरो ऐसा दिया है, उधर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, फिल्टर ऑप्शन चूज करने के लिए. ठीक, नाउ बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेलेक्ट ऑल द चेक बॉक्सेस अंडर द टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन, क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, ऑल सेलेक्टेड चेक बॉक्स विल बी डिसलेक्टेड एज सोन. अब सारे बॉक्स पहले से सेलेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन डिसलेक्ट हो जाएंगे. ठीक, सेलेक्ट द आइटम दैट यू वांट टू सी इन योर डेटा शीट. अब जो भी आइटम आपको आपकी डेटा शीट में चाहिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन सेलेक्ट एज मैनी आइटम, जितने आइटम आप चाहें उतने आइटम क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो. देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस कि आप इतना ही चूज करें, है ना. तो आप चाहें तो सारे डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे को में अगर फिल्टर लगाना सबको सेलेक्ट कर लो, या एक दो में लगाना तो एक ही दो को आप सेलेक्ट कर लो. नाउ वांट टू डिस्प्ले इन अ डेटा शीट, हियर वी आर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट. तो अगर आपको यहाँ पे 3 स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है तो आप 3 को ही सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया है. नाउ क्लिक ओके. आप जैसे ही ओके करेंगे द फिल्टर आइकॉन विल अपियर एट द राइट ऑफ द कॉलम हेडर. तो आपका जो फिल्टर आइकॉन है वो आपके जिसका जो जिस पे आपने हेडर लगाया है उसके राइट में डिस्प्ले होने लगेगा. तो जैसे ही आप फिल्टर आइकॉन पे क्लिक करते हो आपको वैसा ही फिल्टर क्राइटेरिया दिखने लगता है. यू कैन रिमूव द फिल्टर बाय क्लिकिंग ऑन द टॉगल फिल्टर बटन. और अगर आप चाहें तो अपने डेटा को क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो फिल्टर से. कैसे, यहाँ पे एक टॉगल बटन रहती है वहीं पे, ये देखिए ये एक टॉगल बटन है, यहाँ पर आपको जाना होगा जो कि आपको मिलेगी होम टैब में ही. ठीक है, तो इसको अगर आप चूज कर लेंगे तो आपका डेटा फिर से अनफिल्टर्ड हो जाएगा. ठीक है ना, आप फिल्टर रिमूव कर सकते हो. ये कहाँ मिलेगा आपको, कौन से ग्रुप में होता है, ये सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में. टॉगल फिल्टर का ऑप्शन कहाँ पे होता है, सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में. ठीक है, होम टैब में मिलेगा. यू विल ऑब्जर्व दैट द डेटा शीट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो जैसे ही आप इसको अनफिल्टर कर देते हो या रिमूव कर देते हो फिल्टर, तो डेटा शीट अपने पुराने फॉर्म पर वापस आ जाती है. ओके, जब आपने फिल्टर किया तो 3 ही नाम आ रहे थे, देखिए सिर्फ 3 नाम दिख रहे हैं बिकॉज आपने फिल्टर कर दिया. पर अगर जैसे ही आप उसका फिल्टर हटा देते हैं आपकी डेटा शीट पुराने फॉर्म में आ जाती है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. इफ़ यू फाइंड एनी डाउट एनी क्वेरीज यू कैन सिंपली कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स. ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.